इंडियन सीजन 14 में कल जजेस है वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। जी हाँ, और नया सीजन है स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही रोना शुरू। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को कल मिला। और सिर्फ जजेस ही नहीं, अगर आप भी घर पे बैठे ये शो देख रहे होंगे तो आप भी रोए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेनका पोडल की, जो कि इंडियन आइडल सीजन 14 में ऑडिशन देने आती है। उसको दिखाई तक नहीं देता और वो चश्मा लगाए हुए आती है और बातें इतनी प्यारी प्यारी करती है कि मैं ना दिखाई देने के बावजूद भी मैं सब काम खुद करती हूँ, अकेले करती हूँ, और ऐसे में भगवान है मेरे साथ। तो ऐसी बातें करके वो पहले ही जजेस का दिल जीत लेती है। लेकिन इसके बाद जब वो गाना गाती है, साउंड चेकिंग करती है इतने अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह, सभी जजेस हैरान हो जाते हैं कि भैया ये क्या हम सुन रहे हैं। और आपने भी देखा होगा तो आप भी हैरान हुए होंगे। उसके बाद मेनका पोडोल इतना अच्छा गाना गाती है कि सभी जजेस है वो रोते हुए दिखाई देते हैं। श्रेया घोषाल भी काफ़ी ज़्यादा रोती हुई दिखाई देती है, विशाल ददलानी भी रोते हुए दिखाई देते हैं। और बाद में जब वो गाना एंड करती है तो सभी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। विशाल बोलते हैं कि जिस म्यूज़िक को मैं पूजता हूँ, आज मैंने उनके दर्शन किए हैं, वो आप हो। और इसके बाद सब स्टेज पर जाते हैं, मेनुका को गोल्डन माइक देते हैं, और इसके साथ साथ मेनुका है वो श्रेया घोषाल का गाना उनके साथ गाती है। उसके बाद फिर से श्रेया घोषाल शॉक्ड होती है कि भैया ये क्या हो रहा है, इतना प्यारा गाना कैसे गा सकती है लड़की। आप में भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया होगा कि जब हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम फिर भी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन मेनुका ने कहीं ना कहीं हम सबको सिखाया है कि भैया कुछ ना होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत कुछ है और कैसे जीना है ये चीज़ हमें सिखाई है। फिलहाल आप इस पर क्या बोलेंगे, इंडियन आइडल सीजन 14 का ये कंटेस्टेंट मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ आप केडीसी फिल्मी को गाइस सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार हम आपको इंडियन आइडल सीजन 14 की हर एक अपडेट दे रहे हैं।